Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार की सियासत आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर गरमाई हुई है, क्योंकि वो अपने ही गठबंधन दल पर लगातार निशाना साध रहे हैं और नीतीश कुमार को जमकर लताड़ते नजर आ रहे। इस कड़ी में एक नया मामला जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है और सुधाकर सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने पहली बार अपना मुंह खोला है। दरअसल बात करें तो आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर बने हुए हैं और इसी को लेकर अब आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार शुरू होती दिख रही है। पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के रवैये पर अपनी चुप्पी तोड़ी, तो अब खुद सीएम ने इस मामले में बयान दे दिया है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे खुद ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं, एक ही गठबंधन में सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी दल से अगर कोई नेता बोलता है तो इस पर उस दल को ही सोचना होगा, इस बारे में वह दल ही फैसला करेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह का नेतृत्व के खिलाफ बोलना गलत है। उन्होंने कहा, गठबंधन का कोई नेता अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। छपरा कांड में सीएम को ठहराया था जिम्मेदार सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लगातार तानाशाह कहते चलते आ रहे हैं, तो हाल ही में छपरा में हुए शराब कांड के लिए भी उन्होंने सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया था। सुधाकर सिंह का कहना था कि उन जो जनसंहार हुआ था उसके लिए सीधा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। पिछले उन्होंने दिनों नीतीश कुमार को शिखंडी तक भी कहा था। अब नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा उखड़ गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा पलटवार कर दिया है। सुधाकर के लिए कुशवाहा ने लिखा एफबी पोस्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर लिखा कि सुधाकर सिंह उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी। सुधाकर सिंह को बताइए, कम से कम बिहार के उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे काम के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार का इतिहास निश्चित याद करेगा। ऐसे बयानों पर जितने जल्दी रोक लगे उतना बेहतर होगा गठबंधन के लिए और शायद उनके लिए भी। सुशील मोदी ने ले ली चुटकी। जेडीयू आरजेडी के बीच हुई तकरार पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयान देते हैं वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के इशारे पर ही देते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का वादा पूरा नहीं होने से संवाद का खेल शुरू हुआ है। नीतीश ने 3 बार लालू को देखा और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद के इशारे पर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए शिखंडी और नाइट गार्ड जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद जो है बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सुधाकर सिंह के बयान से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।